टेस्ला कंपनी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, लेकिन लगभग 19 सालों में ही इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 960 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि इसे आज तक की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाती है। और अगर वहीं दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा को देखें तो इसकी शुरुआत 1937 में हुई थी, जिसको कि आज 85 साल हो गए हैं, और तब भी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर ही है। तो कैसे टेस्ला ने इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, क्या है इसके सक्सेस के पीछे का राज, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ला कंपनी की सबसे पहली कार साल 2008 में आई थी, जिसका की नाम टेस्ला रोडस्टर था। ये एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जो कि सबसे पहली स्ट्रीट लीगल ऑल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार बनी। ये कार एक सिंगल चार्ज पर लगभग 320 किलोमीटर की रेंज देती थी, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा और प्रैक्टिकलिटी कम होने के कारण इसके कुल लगभग 2500 यूनिट्स ही बिक पाए, और चार साल बाद 2012 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन फिर उसी साल 2012 में टेस्ला ने अपने फ्लैगशिप कार मॉडल एस को लॉन्च किया, जिससे उनको काफ़ी अटेंशन मिली, जिससे कि उनकी मॉडल एस के 3 ही महीने में 2500 यूनिट्स बिक गए। फिर उसके बाद साल 2015 में मॉडल एक्स, 2017 में मॉडल 3, 2020 में मॉडल वाई को बेचना स्टार्ट किया, जिसमें उसे उनकी मॉडल 3 अब तक की सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, जिसकी कीमत $36,000 यानी लगभग 28 लाख रुपए है, और इसके साल 2020 में कुल लगभग 4,40,000 यूनिट्स को बेचा गया था। इसके अलावा टेस्ला के और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं जिनसे उनको प्रॉफिट मिलता है, जैसे डीप स्केल, टेस्ला एनर्जी और टेस्ला ग्रोमन ऑटोमेशन, जिसमें वो ज़्यादातर बैटरी प्रोडक्ट्स, पावर वॉल और सोलर पैनल्स ही बनाते हैं, लेकिन इससे टेस्ला की लगभग 15% ही रेवेन्यू जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक कार्स की हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उनकी राइड क्वालिटी, बैटरी रेंज और प्रैक्टिकलिटी अच्छी नहीं होती थी आईसी इंजन कार के मुकाबले, लेकिन टेस्ला ने इस पर बहुत रिसर्च और काम किया है, और आज इलेक्ट्रिक कार्स किसी भी तरह से आईसी इंजन कार से कम नहीं है, बल्कि ये उनसे और भी अच्छे वैल्यू फॉर मनी हैं। इसके बाद औरों के मुकाबले टेस्ला के पास 30,000 से भी ज़्यादा सुपर चार्जर्स हैं पूरे 3100 लोकेशंस पे, जो कि सबसे ज़्यादा हैं किसी भी और इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मुकाबले, और टेस्ला की प्रॉफिट मार्जिन एक कार पे लगभग 30% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, और वो ये अपने कार्स को डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच के कर पाते हैं बिना किसी मिडिलमैन के, जिसमें उनके 438 स्टोर्स और गैलरीज हैं जहां से कोई भी व्यक्ति अपनी टेस्ला कार को ऑर्डर देकर डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकता है। इसके बाद US में एक पॉलिसी है कि अगर कोई कंपनी कम पॉल्यूशन करती है तो उसे सरकार की तरफ से रेगुलेटरी क्रेडिट्स दिए जाते हैं एज रिवार्ड पॉइंट्स, और टेस्ला इन क्रेडिट्स को ज़्यादा पॉल्यूशन वाली कंपनीज को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन उसके अलावा टेस्ला के बेहतरीन फ्यूचर प्लानिंग्स और ज़बरदस्त कार्स की वजह से लोगों को इन कंपनीज में और भी काफ़ी ग्रो करने की पोटेंशियल दिखती है, जिसकी वजह से लोग इनके स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। टेस्ला की अगर कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करें तो वो अपने टेस्ला रोडस्टर का सेकेंड जनरेशन मॉडल, सेमी ट्रक और अपने साइबर ट्रक का प्रोडक्शन इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत तक चालू करने वाले हैं, जिससे उनकी कंपनी का और भी प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन की बात करें तो टेस्ला अपने बढ़िया कार प्लानिंग्स, बेस्ट इन क्लास इलेक्ट्रिक कार्स, वाइड नंबर ऑफ सुपर चार्जर्स और इलोन मस्क की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से ये कंपनी आज इतनी ऊपर है। और एक फन फैक्ट, बहुत लोगों को लगता है कि टेस्ला के फाउंडर इलोन मस्क हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके फाउंडर मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टापेनिंग हैं, जिन्होंने साल 2003 में इस कंपनी को बनाया था। लेकिन इन दोनों के साल 2008 में कंपनी छोड़ने के बाद उसी साल इलोन मस्क को इस कंपनी के CEO बना दिया गया। दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते तो हमें वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।